ओके, सो हमारा न्यू टॉपिक है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। होप करता हूँ आपने डायपोल वाले सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे। ठीक तो अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जैसा है, ठीक है, एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी हम एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, ऐसे ही यहाँ Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, सबका डिस्टेंस है R1, R2, R3, Rn, ऐसे डिस्टेंस है, एंड हमें फाइंड करना है पॉइंट P पे इन सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल। तो सिंपली वही चीज, ठीक है, हम शुरू कैसे करेंगे, अभी तक हमने देखो जो चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि Q1 की वजह से पॉइंट P पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक तुम्हें ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक थियरी थोड़ी सी लिखनी पड़ती है ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो एग्जाम में मार्क्स लेना है ना, तो एक चीज बहुत ध्यान देना कि आपको है ना थोड़ा सा आंसर अपना बाकियों से बेहतर करना है, हर कोई लिख तो यही रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे इसी आंसर को क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे V1 = KQ1/R1, V2 = कोई स्टेटमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिख के ऐड कर देंगे, और आप भी सेम चीज लिख रहे हो बट थोड़ा सा है ना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचो कि आप थाली में खाना सेम दे रहे हो, दाल चावल रोटी सब्जी, बट अगर आप उसको प्रॉपरली सही तरीके से ना रखो तो कितना गंदा लगेगा ना वो देखने में। सेम चीज आप खा रहे हो, सेम चीज बाजू वाला भी खा रहा है आपके, ठीक है, लेकिन आपको जिसके में प्रॉपरली थाली ऐसे सजा के आती है तो कितना मजा आता है खाने में, है ना, तो अगर ऐसे एक ही में सब कुछ डाल के दे दो मेहमान को अच्छा लगेगा उसे, ठीक है, तो सेम वे में टीचर आपके लिए मेहमान है, ठीक है, और आपको उसे परोस के खाना देना है, तो आपको ऐसे परोसना है कि उसे पसंद आना चाहिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप देखो मैं जितनी भी डेरिवेशंस करवाता हूँ मैं सब में है ना उतने स्टेटमेंट्स लिखवाता हूँ जो आप एग्जाम में लिखो तो आपको प्रॉपरली मार्क्स मिले, आप कोई भी मेरी डेरिवेशन उठा के देख लो, ठीक है, तो इसलिए मैं ये बताता हूँ ताकि बच्चों को हैबिट पड़ जाए, अदरवाइज क्या करते हैं वीडियोज में, तो वो देखो अभी आजकल स्मार्ट बोर्ड का चक्कर चल रहा है, यू डेरिवेशन लिखी है ये समझा दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है, मेरा मानना है आज भी जो बोर्ड और मार्कर की जो जोड़ी है उसे स्मार्ट बोर्ड रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ नो डाउट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, बट आज भी जो पढ़ाने का पैटर्न है वो लिख के जो टीचर समझाता है ना वो ज्यादा समझ आता है, मेरा ये पर्सनली मानना है, और इसलिए मैं ये ज्यादा पर्सनली प्रिफर करता हूँ यूज करना, ठीक है, तो देखो हाँ उसमें भी स्मार्ट बोर्ड में भी जो टीचर प्रॉपरली लिख के बताते हैं वो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज खाली सिर्फ PDF के फॉर्म में अगर हम सिर्फ पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो हमारा पढ़ाई खराब होता जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अरे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, Qn यहाँ को भेज देते हैं इनको, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, Q1 Rn, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, ठीक है, तो अब यही चीज देखो अच्छी लग रही है, टीचर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे को सब पता है फर्स्ट, ठीक है, और आप छोटा सा एक स्टेटमेंट ऊपर लिख सकते हो, इफ देर आर एन चार्जेस Q1, Q2, Q3 up to Qn, ठीक है, विच इज हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P R1, R2, R3 up to Rn रिस्पेक्टिवली, देन फिर यहाँ से शुरू कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, दिस आ गया, सेम चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, है ना, क्या हो जाएगा KQ2/R2, ठीक है, सिमिलरली V3 क्या हो जाएगा KQ3/R3, एंड Vn क्या हो जाएगा KQn/Rn, ठीक है, नाउ टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी
टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, देखो v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन, ठीक है, तो के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री अप टू के क्यू एन अपॉन आर एन, ठीक है। अब क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, k कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, q1 वन अपॉन आर वन, क्यू टू अपॉन आर टू, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री अप टू क्यू एन अपॉन आर एन, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे ना, इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है, और k को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो v हो जाएगा 1 पाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान देना, इंटू इंटू नहीं सॉरी, अब एडिशन है तो समीशन आ जाएगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे सब जनरली वन टू थ्री लाइन में चल रहे हैं, तो i इक्वल टू वन टू एन क्यू आई अपॉन आर आई, क्यू आई अपॉन आर आई, है ना, समीशन का मतलब ऐड होता जाएगा, ये लिखना आना चाहिए, जनरल फॉर्म में शो करना है, तो अगर n की i की वैल्यू वन रखते हो तो क्यू वन अपॉन आर वन समीशन की वजह से प्लस आया, क्यू टू अपॉन आर टू समीशन की वजह से प्लस आया, क्यू थ्री बाई आर थ्री समीशन की वजह से प्लस आया, इस वे में ये काम करता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक देखो, एक केस में बता रहा हूँ आपको, अच्छा आपको यहाँ पे एक और चीज, अभी इसके बाद तुरंत हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मास होता है वैसे चार्ज का भी होता है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आप सेपरेटली काउंट कर पा रहे हो, ठीक है, बट यहीं पर अगर मैं एक बॉडी ले लूँ जिस पर बहुत सारे चार्ज है, अब आप सेपरेटली कर पाओगे कितना कहाँ पे कौन सा चार्ज है, ठीक है, कितनी दूरी पे है, काउंट कर सकते हो कितने चार्ज है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस। तो उस केस में फिर हम छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करते हैं और इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं। याद रखना बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता है, समेशन और इंटीग्रेशन का डिफरेंस क्या है, समेशन तब यूज होता है जब डिस्क्रीट होता है यानी आप इसको ऐड कर सकते हो, इंटीग्रेशन तब यूज होता है जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको कहीं पे देखो जैसे काउंट नहीं कर सकते आप, अब जैसे इस मार्कर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकता तो मुझे एक एलिमेंट इतना लेना पड़ेगा कि इतने में इतने पार्टिकल होंगे, जो हम dx एलिमेंट लेते हैं और वो सब लेते हैं ना, इंटीग्रेशन तब आता है जब हम कंसिडर करते हैं कि इतने में अगर dx है तो यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेट कर दो यानी इसको बार बार एड कर दो, तो समेशन डिस्क्रीट के लिए होता है और यही इंटीग्रेशन बन जाएगा किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए, अभी हम देखेंगे। बट अभी यहाँ पे एक केस देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज कि अगर मान लो मैं ये स्पेस ले लूँ पूरा, ठीक है, अब मैंने जैसे q1 चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है और यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस R है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका भी एक R डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, ऐसे ही ये Rn है, तो देखो ये ऑलरेडी इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, तो Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, ऐसे सब की वजह से निकाल रहे हो, तो अब अगर ये खुद भी r डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से, यहां तो हमने इस पॉइंट को ही मान लिया था, ठीक है, बट ये भी अब स्पेस में अगर ये भी कहीं पे है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, अगर r1 r2 r3 ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं और जो ये p पॉइंट है वो खुद r डिस्टेंस पे है, तो ये जो इक्वेशन लास्ट वाली ये ऐसी लिखी जाएगी, ये ध्यान में रखना, और यही हमारा आगे जाके बेस बनेगा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। आई इक्वल देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है, फिर सब कुछ सेम रहेगा, क्यू आई और अपॉन में आ जाएगा आर माइनस आर आई, आर माइनस आर आई, क्योंकि ये ऑलरेडी पी पॉइंट भी किस पे है, आर पोजिशन में रहता है, तो ये उसका जनरल इक्वेशन बन जाएगा अगर इस तरीके का केस रहता है, क्लियर है सबको, तो दोनों में खाली यही रहता है कि ये पॉइंट पी ऑलरेडी सेंटर से भी हमने इसको माना है और इसको तो हमने वहीं पे मान लिया है ओरिजिन पे, तो ऑलरेडी कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ठीक है। सो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और इसी का बेस बना के हमें आगे बढ़ जाना, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना, ठीक है, पर लिखा करो, ठीक है, जब हम देखो एक टीचर इतना अगर लिख सकता है तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिख सकते, और आपकी तो प्रिपरेशन, आपको तो एग्जाम में भी लिखना था, ठीक है, तो ये चीज आप लिखना मत छोड़ो इसको, ठीक है। सो हम शुरू करें आगे इसी इक्वेशन का कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बार बार मास रहता है दिमाग में, ठीक है, पर मास और देखो कोई भी जैसे इस पार्टिकल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको देख लेते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये फाइनल एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको बताने के लिए, ये पोर्शन रफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए।
ये पूरा ही रफ कर देते हैं, खाली फाइनल इक्वेशन यूज करें, ठीक है। सो होप सो आपको बढ़िया से सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस मास, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है, ठीक है। अब ध्यान देना सब लोग, देखो मैंने कहा ना जो हमारी इक्वेशन आई ये डिस्क्रीट के लिए आई है बच्चों, ये जो हमारा आया ना डिस्क्रीट के लिए आया, ये क्या आया आपका कि अभी हमने लिखा था 1/4 πε0 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन आर माइनस आर आई, ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज करो ये तो हमें सेपरेटली चार्ज पता है तो हम ऐड कर पा रहे हैं ना, बट अगर हमें सेपरेटली चार्ज ही ना पता तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ये एक रॉड ले लूं, ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। वहां पे आप काउंट कर रहे थे ना Q1 Q2 n तक, यहाँ काउंटिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे इसमें पार्टिकल्स काउंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे चार्ज होते हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, dx, ठीक है, dl लेंथ ले लेंगे, लेंथ है तो dl ले लेते, चलो तो हमने dl लेंथ ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहीं पे ये जो कंटिन्यूअस के लिए जब बात आती है तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा जो इसका फॉर्मूला है फॉर ये डिस्क्रीट के लिए, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। आज ये चीज आपको क्लियर हुई, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते इसमें कि समेशन था, इंटीग्रेशन कैसे आ गया, इसलिए आया। कंटिन्यूअस जब भी होगा ना तो यहाँ पे ये फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा क्यूआई बाई आर माइनस आर आई, ठीक है। अब इसी में देखो हमने पढ़ा हुआ था फॉर वन डायमेंशन, यानी फॉर स्ट्रेट वायर या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर या फिर वन डायमेंशन जो होता है, वन डायमेंशन, लिंक डालने वापस, मार्कर बहुत सारी थी बट मे बी ये देखते हैं, ठीक है। देखो वन डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, सुनो। तो अब सबसे पहले हमें पता है लैम्डा क्या होता है हमारा, अगर मैं डी क्यू स्मॉल चार्ज कंसिडर करूं तो ये, अब देखो हाँ यहाँ पे हम स्मॉल चार्ज लेंगे, जैसे इतना पोर्शन में डी क्यू चार्ज है ऐसे इस तरीके से, तो लेंथ भी हमने स्मॉल ली होगी, इसमें डी एल लेंथ में छोटा चार्ज है क्योंकि पूरा चार्ज तो बहुत ज्यादा है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये आपका स्मॉल कंसिडर करे तो ये डी क्यू से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखो फॉर वन डायमेंशन लैम्डा इंटू डी एल, उसको यहाँ उठा के रखोगे तो आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा 1/4 πε0 समेशन लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर आई, इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं ये वन डायमेंशन लिया था, अगर मैं कोई शीट ले रहा हूँ एरिया के लिए फॉर टू डायमेंशन, रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई शीट ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। देखो जिनको बहुत अच्छे से चीजें आती हैं वो टू की स्पीड में भी देख सकते हो, बट मेरा मानना है ठीक है इतना पढ़ने में कोई इशू नहीं है, आप अगर सही तरीके से कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन वे में सारी डेरिवेशंस हो रही हैं, लाइन वाइज जा रही हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर इसके पहले के टॉपिक्स में भी आपको दिक्कत है तो एक प्रॉपर फ्लो में पढ़ाई करो, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो ढंग से और उसको खत्म करो, ये पूरा एक लिंक है। जिसने फर्स्ट से लेके अभी तक पूरा देख लिया ना मेरे सारे लेक्चर्स, उसको मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई तकलीफ नहीं आने वाली, ठीक है, ये मेरी श्योरिटी है। देखो तो इसमें से कोई भी छोटा एलिमेंट ऐसे कंसिडर करोगे इतना पोर्शन, अब ये इतना पोर्शन कंसिडर करने के बाद यहाँ पे डी क्यू चार्ज है और इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया आ गया, वन डायमेंशन नहीं है तो एरिया डी एस मान लेते हैं, सरफेस एरिया। तो अब एरिया के लिए फॉर टू डायमेंशन के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है ना, फॉर टू डायमेंशन
सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस हो जाएगा। सो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी वापस 1/4। चलो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस, क्यू आई की जगह हमने क्या रख दिया, डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस, ठीक है, यहां से निकाल के और नीचे आ गया r माइनस आर आई, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा फॉर थ्री डायमेंशन यानी वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए देखो हमें पता है अगर थ्री डायमेंशन होगा तो कोई क्यूब आ गया जैसे ये, ठीक है। अब इसमें कोई सर्फ पोर्शन कवर करोगे स्मॉल लोगे तो वो स्मॉल एलिमेंट डीवी आएगा, ठीक है, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी, इसको उठा के रख दो वहां पे, तो वी आई क्या बन जाएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर माइनस आर आई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको नाम नंबरिंग भी देनी है तो V1 V2 V3 दे सकते हो दोनों के लिए, ठीक है, बाकी VI के टर्म्स में भी चलेगा, कोई इशू नहीं, आई रहने तो चलेगा। समझ आया सबको, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, ठीक है। तो अब आपको समेशन और इंटीग्रेशन का समझ आया मैंने कैसे यूज किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको यही लिखना है ये पैटर्न में, तीनों के लिए आपको शो करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लियर हुआ सबको, समझ आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है। सो इसके बाद आपके पोटेंशियल एनर्जी है, कि पोटेंशियल सरफेस है और कैपेसिटर है, जो कि देखो मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर में ये जो हमने अभी तक पोर्शन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो कैपेसिटर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपेसिटर, ये सब थोड़े से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर से तो मान के चलो या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो आपको डेरिवेशन आएगी, बट आएगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है। इसलिए जितना अच्छे से हो सके, जितना बेटर वे में हो सके, उतने बेटर वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ करेंगे हम, ठीक है, आप डरो मत, बस चीज़ों को रिवाइज करते रहो जितनी बार हो सके, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप प्रॉपर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो मेरे से और ऑनलाइन के थ्रू ही पढ़ रहे हो, और सारे लेक्चर्स मैंने जितने भी देखो, मेरा ये मान के बिल्कुल नहीं होता कि ठीक है जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे से पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, ऑनलाइन में मैं क्यों ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँ या जो भी है, बट मैं ये मानता हूँ बच्चों कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मानना है कि मैं जो उनको पढ़ा रहा हूँ वही आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। या इनफैक्ट मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही लेक्चर्स देखते हैं कभी कभी, जब जैसे उनको रिविजन करना होता है तो वो इसी लेक्चर से काम चलाते हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, बोर्ड से इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, अगर आपने पूरा 12th फिजिक्स ढंग से मेरे लेक्चर से किया हुआ है तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं आएगी, नोट्स भी प्रॉपरली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे एक्सपर्ट गुरुकुल के नाम से, वैसे मेरा नाम सतीश त्रिपाठी है, ठीक है, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं वीडियो में, बट मैं बता रहा हूँ मेरा नाम सतीश त्रिपाठी है, और आप एक्सपर्ट गुरुकुल के इस पे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें PDF वगैरह हमेशा आती रहेगी, कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, इससे आपकी नॉलेज बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है, उसे ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पे अभी मैंने कुछ दिन पहले अकाउंट बनाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और इतने सारे हो जाते हैं कि सब यहाँ पे नहीं देख सकते, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ काम की चीज़ें हम डालते ही रहेंगे, ठीक है। सतीश त्रिपाठी 2024 वो मेरा पर्सनल अकाउंट ही है, जैसे किसी को कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है रिगार्डिंग बोर्ड तो कभी देख लिया तो ठीक, सतीश त्रिपाठी 2024, ठीक है, ये इंस्टा आईडी है जो कि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ सच बताऊँ तुमको, तो बट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और मेरे ख्याल से तब से एक ही दो बार खोला भी है, बहुत ज़्यादा खोला भी नहीं है, ठीक है, तो ये है। बट हाँ, अब उस पर रेगुलरली चीज़ें अच्छी डालते रहेंगे हम, ठीक है, और आपके पास भी नोटिफिकेशन आता रहे, इसीलिए अलग अलग मीडियम्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे भी हो जाए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या आप लिख लो।